एक बहुत बड़ी खबर हम आपको दिखाने वाले हैं। क्या दुमका पुलिस अवैध खनन करने वालों का साथ दे रही है? क्या दुमका पुलिस अवैध खनन करने वालों को बचाती है? आप बोलेंगे ये सवाल क्यों, क्या आप होश में हैं, आप दुमका पुलिस पर सवाल उठा रहे हैं? तो मैं कहूंगा कि हां, मैं बिल्कुल होश में हूं। और ये सवाल इसलिए क्योंकि ये सवाल दुमका के डीएमओ कृष्ण कुमार का है, ये हमारा नहीं है। आप भी देखिए दुमका डीएमओ के उठाए हुए सवाल इस रिपोर्ट में। यहाँ योगदान दिया है दुमका जिले में, तब से लगातार हमारे तरफ से कार्रवाई की जा रही है और कार्रवाई का प्रतिफल अभी तक, जब तक गिरफ्तारी नहीं होगा, राजसात नहीं होगा, तब तक ये अवैध खनन का जो मामला है शांत नहीं होगा। इस आगे जो हमारे द्वारा प्राथमिकी की जाती है, उसके बाद पुलिस प्रशासन की जिम्मेदारी बनती है कि गिरफ्तारी करें, और हम लोग साथ ही साथ राजसात करने की प्रक्रिया में हैं और जवाबदेही का जो अनुपालन करना है, उन सभी से हमने पत्राचार भी किया है। सबसे बड़ी जिम्मेदारी पुलिस विभाग को आती है और हम उनसे बार बार आग्रह करते हैं कि गिरफ्तारी कीजिए, गिरफ्तारी कीजिए। ये कृष्ण कुमार किसकू है? दुमका में डीएमओ है। डीएमओ यानी जिला खनन पदाधिकारी। इनकी बेचारगी इनके बयान से नजर आ रही है। चाहे कोयला हो या फिर पत्थर, डीएमओ अपनी मजबूरी बता रहे हैं। अरे खनन विभाग से जितनी भी धाराएं होती हैं, प्राथमिकी के समय जेएमएमसी से लेकर एमएमआर और जितने भी हमारे क्रमवार कंडिका हैं, उस पर हम लोग प्राथमिकी दर्ज करते हैं और आगे की कार्रवाई उन्हीं सुसंगत धाराओं पर की जाती है। और जानकारी अगर उनको नहीं है तो हमसे संपर्क करना। तो क्या पुलिस अवैध उत्खनन करने वालों को बचा रही है? दुमका पुलिस अवैध उत्खनन करने वालों की रक्षक है? आखिर क्यों अवैध उत्खनन के खिलाफ एक्टिव नहीं है दुमका पुलिस? दुमका पुलिस अवैध उत्खनन को लेकर सुस्त क्यों है? जिला खनन पदाधिकारी का कहना है कि उनके द्वारा लगातार अवैध उत्खनन करने वालों को चिन्हित कर उन पर एफआईआर किया जा रहा है, लेकिन पुलिस उन लोगों को गिरफ्तार नहीं करती है। मामला दर्ज अभी होता है, लेकिन आज भी वो अवैध माइंस से जारी, माने धड़ले से जा रहा है। देखिए प्रशासनिक तरीके से हम लोगों को चिन्हित कर उनका ब्यौरा खंगाल के उस पर हम लोग नियमानुसार विभिन्न धाराओं में हम लोग कार्रवाई करते हैं, या डीलर हो या पट्टेधारी, उसका कंप्लीट जांच करने के बाद हम लोग प्राथमिकी दर्ज करते हैं और प्राथमिकी दर्ज करने के बाद सही प्रतिफल नहीं आ रहा है, इसलिए हम लोग तत्परता से काम करने की जरूरत है। अब जब पुलिस अवैध उत्खनन करने वालों की मदद करेगी, उन पर कार्रवाई नहीं करेगी, तो फिर कौन करे? इसका जवाब दुमका पुलिस को ही देना चाहिए। एक डीएमओ लेवल का अधिकारी अगर ये सवाल खड़े कर रहा है तो ये गंभीर है। शिकारीपाड़ा से न्यूज 11 भारत के लिए दिलदार अंसारी की रिपोर्ट। अगर किसी जिले का डीएमओ ये बात कह रहा है तो आप सोच रहे हैं कितनी गंभीर बात है, स्थितियां क्या है, आप सोचिए। डीएमओ लेवल का अधिकारी कह रहा है कि भाई मैं बाकायदा नाम बता देता हूं, भाई हम तो छापा मार सकते हैं लेकिन उसमें सहयोग तो पुलिस का चाहिए, धाराएं बता देता हूं कि ये धाराएं लगाइए और एफआईआर कीजिए, लेकिन पुलिस ना। तो इसका मतलब कि पुलिस इस अवैध खनन का सहयोग करती है, इसका मतलब है कि पुलिस अवैध खनन माफियाओं की मददगार है। न्यूज 11 भारत इस डीएमओ को सैल्यूट करता है, बहुत हिम्मत चाहिए यह बयान देने के लिए। डीएमओ कृष्ण कुमार सच में झारखंड के बेटे हैं। न्यूज 11 भारत कृष्ण कुमार को सैल्यूट करता है। डीएमओ साहब बहुत स्वागत है और आपको सैल्यूट कर रहा हूं मैं इस नेशनल चैनल पर बैठ करके। बहुत हिम्मत चाहिए होती है जो बात आप कह रहे हैं कि भाई मैं तो कार्रवाई कर रहा हूं, लेकिन इसके आगे की कार्रवाई जिस सिस्टम को करना है वो सिस्टम ही मदद नहीं कर रहा। कृष्ण कुमार क्या खुद को मजबूर फील करते हैं? सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद करना चाहूंगा जी
ये जो ज्वलंत मुद्दे हैं इसको आपने आगे लाया जी जी, और हम आशा करते हैं कि ये हमारी बातें एक युद्ध स्तर पे सुनी जाएगी जी, और हम लोग जो कार्रवाई करते हैं उसको अंतिम चरण तक ले जाने में जी हमें। हाँ, मैं आपके बयान को सुन रहा था कृष्ण कुमार जी, मैं आपके बयान को, आप कह रहे थे कि अरे कम से कम अगर आपको लगता है कि आप कार्रवाई करने में सक्षम नहीं है तो धाराएं वाराएं क्या लगानी है वो भी हमसे आकर के पूछ दीजिए, मैं सजेस्ट कर दूंगा। तो क्या इस सिस्टम में कि मतलब एक ऐसा अधिकारी, एक डायनेमिक ऑफिसर जो है वो खुद को बहुत बंधा हुआ महसूस कर रहा है कृष्ण कुमार जी? ये प्राथमिकता करने के बाद हमारी जवाबदेही खत्म नहीं होती है, लेकिन उसको अद्यतन जानकारी लेना भी हमारा कर्तव्य है कि इस पे कार्रवाई क्या की गई है, और समय समय पे हम लोग पत्राचार करते हैं इस वे की अग्रतर कार्रवाई हो, अवैध खनन पूरी तरह से बंद हो। जी जी, चलिए कृष्ण कुमार जी बहुत शुक्रिया, आपने अपना वक्त दिया हमें, आपने बातचीत की, मैं तो बस यही रिक्वेस्ट करता हूँ एक बार फिर आपको सैल्यूट करते हुए, चूंकि बहुत हिम्मत चाहिए होती है जो बातें आप बोल रहे हैं उनके लिए, एक बार फिर सैल्यूट करता हूं। और सही मायने में मैं बोल रहा हूं, यहां पर डंके की चोट पर कह रहा हूं कि सही मायने में झारखंड के बच्चे आप ही हैं, झारखंड के बेटे आप ही हैं, और आपकी बात को मैं चाहता हूं कि सरकार सुनिए। देखिए एक अधिकारी बोल रहे हैं ये बात, इनको सीरियसली लेने की जरूरत है, इस सिस्टम को अगर मजबूत करना चाहते हैं और झारखंड को आगे ले जाना चाहते हैं। तो बहुत शुक्रिया कृष्ण कुमार जी, बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और अपनी बात को रखने के लिए झारखंड की 3.25 करोड़ जनता के सामने। तो कृष्ण कुमार डीएमओ खुद जुड़े हुए थे, देखिए उन्होंने कहा कि भाई सिर्फ छापा मार देना ये नहीं है, इसकी अद्यतन स्थिति क्या है, फिलहाल क्या चल रहा है इस मामले में, और एक जो गलत काम हुआ है तो जिसने गलत किया है उसको उसके मुकाम तक पहुंचाना भी इस सिस्टम की जिम्मेदारी है। अब अकेला चना तो भाड़ फोड़ नहीं सकता, तो इस सिस्टम को मदद चाहिए उन्हें, उनकी मदद कीजिए सर, उनकी मदद बेहद जरूरी है। तो कुल मिलाकर के हमने एक अधिकारी इस सिस्टम में कैसे घुट रहा है, दबा हुआ है, उसे दबाया जा रहा है, यह आपको दिखाने की कोशिश की। हम चाहते हैं कि इनकी बात को सीरियसली लीजिए ताकि बदलाव की जो कोशिश है उस कोशिश में हम और आप दोनों सफल हो सकें। फिलहाल डंके की चोट में यहीं तक, नमस्कार, जोहार। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।